हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पुनरावर्तन 3। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आज हम परिच्छेद पढ़ेंगे। यहाँ पे नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। उसका नाम घंटाकरण है। वह घंटा बजाता है। अफवाह से लोग बहुत भयभीत हुए। जंगल से लकड़हारे लकड़ियाँ ना बीनते, घसियारे घास ना काटते, चरवाहे जंगल में पशुओं को ना ले जाते थे। किसकी वजह से? उस घंटाकरण भूत की वजह से। वहाँ पे जंगल में अफवाह ऐसी फैली थी कि जंगल में एक घंटाकरण नाम का भूत रहता है। इसके डर से लोग वहाँ जाना बंद कर दिए थे। सारा का सारा जंगल घंटाकरण भूत की राजधानी बन गया। अब तो उस नगर के राजा को भी बड़ी चिंता हुई। उसने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा कर कहा, भाई इस भूत को इस जंगल से निकालो, वरना सारा जंगल वीराना हो जाएगा और जंगल से मंगल गायब हो जाएगा। लोगों ने अपने अपने तरीके आरंभ किए, परंतु घंटाकरण किसी के काबू में ना आया। यानी लोग सब अपने अपने तजुर्बे अपनाए, लेकिन किसी के बस की बात ना थी कि उसे निकाल सके, कि भूत को कोई बता सके कि यही भूत है। तभी एक बुद्धिमान मनुष्य कहीं से उधर आ निकला। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। वह अनुमान लगाने लगा कि सच्चाई क्या हो सकती है। उसने पता लगाया कि इसमें सच्चाई क्या हो सकती है, मैं इसे पता लगा कर रहूँगा। वह साधु का वेश बनाकर जंगल में घुसा। वहाँ जाकर जो देखा तो सारा सच उसके समझ में आ गया। लौट कर राजा और नगरवासियों से कहा, आप मुझे एक बोरा भुने हुए चने दे तो मैं कल ही भूत को कर लाता हूँ। क्या कहा बुद्धिमान मनुष्य ने? राजा, अगर आप मुझे एक बोरा भुने हुए चने दे दो तो मैं कल ही भूत को पकड़ कर लाता हूँ। लोगों ने उनका कहा माना। बुद्धिमान व्यक्ति चने लेकर जंगल में पहुंचा। उसने वह चने एक पेड़ के नीचे डाल दिए। यानी उस बोरी में भरे चने एक पेड़ के नीचे डाल दिए। उसने देखा कि पेड़ से कई बंदर नीचे उतरे और चने खाने लगे। क्या किए? पेड़ से कुछ बंदर उतर कर चने खाने लगे। उसमें से एक बंदर के हाथ में घंटा था। उस बंदर ने घंटा फेंक दिया और चने खाने लगा। बुद्धिमान व्यक्ति ने घंटा उठाकर नगर की राह ली। मतलब वह बुद्धिमान व्यक्ति इतना बुद्धिमान था कि मतलब उन सबको चना खाने के लिए रख दिया, और जब सभी बंदर आए खाने के लिए तो वह एक उसमें से ऐसा बंदर था जिसके हाथ में घंटा था। उसी बंदर के कारण ही उस जंगल में कोई नहीं जाता था। यानी उसके हाथ में घंटा था, वो घंटा बजाता तो सबको ऐसे लगता कि इस जंगल में भूत है। तो बुद्धिमान आदमी ने क्या किया? घंटा उठाकर वो अपने रास्ते चलते बना। दरबार में पहुंचने पर बुद्धिमान मनुष्य ने कहा, राजा से कहा, महाराजा, यह घंटा बंदरों के हाथ पड़ गया था। जब उनकी मौज होती वे घंटा बजाते। इस तरह जंगल में भूत होने की अफवाह फैली थी। सारे नगर में और सभा में उस विद्वान को बड़ा आदर मिला, बड़ा सम्मान मिला। उस बुद्धिमान ने लोगों को सच्चाई परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास ना करने का अमूल्य सलाह दी। तो बच्चों, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। कही सुनी बातों पर विश्वास ना करें। जब तक सच्चाई को परखे नहीं, तब तक बिना किसी बात पर विश्वास ना करें। यह सबसे मूल्यवान सलाह है। तो
यह आप भी गांठ बांध लो कि किसी के कहने पर हम विश्वास नहीं करेंगे। जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते हैं तब तक हमें किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे हम इसका प्रश्न पढ़ते हैं और उत्तर, नगर में कौन सी अफवाह फैल गई थी? नगर में मतलब कौन सी अफवाह फैली थी कि जंगल में भूत है? अफवाह का क्या परिणाम हुआ? अफवाह का यह परिणाम हुआ कि जंगल की तरफ घसियारे और चरवाहे लकड़हारे सब जाना वहाँ पे बंद कर दिए। साधु का वेश बनाकर जंगल में कौन घुसा? साधु का वेश बनाकर जंगल में बुद्धिमान व्यक्ति गया। घंटा कब बजता, मतलब बंदर घंटा कब बजाते? जब बंदरों की मौज होती थी, जब बंदरों की मौज होती थी तब बंदर घंटा बजाते थे। बुद्धिमान मनुष्य किसमें विश्वास नहीं करता था? बुद्धिमान मनुष्य भूतों पर विश्वास नहीं करता था। बुद्धिमान मनुष्य ने लोगों को कौन सी सलाह दी? यह सलाह दी बुद्धिमान व्यक्ति ने कि सच्चाई को परखे बिना किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह बुद्धिमान व्यक्ति ने सलाह दी। प्रश्नोत्तर नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है। वही हम जो पुराना पाठ पढ़ चुके हैं उसी में का यह प्रश्न है। बच्चा माँ से प्रतिदिन क्या पूछता है? बच्चा माँ से प्रतिदिन यह पूछता है कि माँ चाँद उदास अकेला है। प्रश्नोत्तर नंबर 2, माँ बच्चे को क्या उत्तर देती है? चाँद नीले गगन की शोभा बढ़ा रहा है। प्रश्नोत्तर नंबर 3, भेद भूलकर सारे पक्षी क्या करते हैं? तो हमें लिखना है भेद भूलकर सारे पक्षी एक ताल में गाते हैं। प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध। प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध। यहाँ पे आपको मगध लिखना है। सभा में सन्नाटा क्यों छा गया? सभा में सन्नाटा इसलिए छा गया राजा की घोषणा सुनकर, यहाँ पे लिखना है राजा की घोषणा सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। निम्नलिखित विधान सही है या गलत, निशान लगाओ। पहला है शेख चिल्ली खुशी खुशी घर गया, नहीं यहाँ पे गलत आएगा। नंबर 2 है शेख चिल्ली बड़ा अकलमंद था, नहीं यहाँ पे गलत आएगा। तीसरा है किशोर बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यहाँ पे आएगा सही। कवि ने पिचकारी से बंदूक बनाने की कल्पना की है, यहाँ पे आएगा गलत, क्योंकि उन्होंने बंदूक से पिचकारी बनाने की कल्पना की है। आगे देखते हैं, यहाँ पे जोड़ी मिलाना है तो कौवा क्या होता है? काला। बगुला सफ़ेद, तोता हरा और मोर नीला। तो यहाँ पे आपको ऐसे उत्तर लिखना है, आपको अपनी नोट में लिखना है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे दूसरे पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।